तो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो सारे, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कुछ इस तरीके से सुब डेविल फोटो एडिटिंग कैसे कर सकते हो, वो भी बहुत ही कम टाइम में। तो गाइस यार, आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते जाना, तभी आप लोगों को ये वीडियो समझ में आएगी। एंड अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो आप लोग, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चले गाइस, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ऑल राइट गाइज, तो सबसे पहले आप लोगों को अपने ऑटोडेस्क के अंदर इस बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। ये बैकग्राउंड की लिंक मिल जाएगी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, तो इजीली जाकर डाउनलोड कर लेना आप लोग। तो सबसे पहले हम इस पर क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे हम इनपुट इमेज के अंदर चलते हैं एंड जाएंगे। जैसे ही गाइज हम अपने गैलरी के अंदर एंटर हो जाएंगे, तो अपने गैलरी के अंदर से गाइज हमको क्या करना होगा, एक PNG मैं आप लोगों को दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, वाइट लाइट की PNG। तो उस लाइट PNG को ऐसे कुछ ऐड कर लेना है एंड गाइज इसको कुछ इस तरीके से रोटेट कर लेना आप लोग। एंड करने के बाद कुछ इस तरीके से आप लोग इसको फुल स्क्रीन पे सेट कर लेना, कुछ इस तरीके से। मैं थोड़ा ऊपर की तरफ करता हूँ कुछ इतना, ओके। देन इतना करने के बाद गाइज हमको सिंपली डन कर देना होगा। एंड डन करने के बाद गाइज हमको लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, यहाँ पे देख सकते हो। तो लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड इसी लेयर पे हमको एक बार क्लिक करना है, तो यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड का एक ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर आप लोग जैसे ही क्लिक करोगे तो ब्लेंडिंग यहाँ पे स्क्रीन का एक ऑप्शन मिलेगा, ये देख सकते हो। स्क्रीन पे क्लिक कर देना, देन कट कर देना एंड फिर से एक बार हमको इसी लेयर पे क्लिक करना होगा। तो करोगे तो यहाँ पे ओपोसिटी के एक ऑप्शन मिल जाएगी, यहाँ से आप लोग अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो जितना आप लोगों को लाइट चाहिए। तो मैं कुछ इतना रखता हूँ, 50% से थोड़ा ही नीचे। देन इतना करने के बाद गाइज अब हमको क्या करना होगा, अपने कटआउट को ऐड करना है। तो फिर से हम चलते हैं इस वाले ऑप्शन के अंदर एंड जाने के बाद इनपुट इमेज के अंदर चलेंगे। एंड जाने के बाद गाइज हम फिर से अपने गैलरी के अंदर एंटर हो जाएंगे एंड गाइज मैं अपने फ़ोटो को ऐड कर लेता हूँ। तो आप लोग भी अपने फ़ोटो को कुछ इस तरीके से ऐड कर लेना। तो गाइज इस फ़ोटो पे मैंने फेस जो है स्मूथ करके ऑलरेडी रखा हुआ है एंड बैकग्राउंड का कटआउट निकाल लिया है। अगर आप लोगों को कटआउट निकालते नहीं आता, तो आई बटन पे वीडियो आ रही होगी, जाके वहाँ से देख सकते हो। सो इतना करने के बाद इसको अच्छी तरीके से यहाँ पे सेट कर लेना एंड इतना करने के बाद गाइज आप लोगों को क्या करना होगा कि सिंपली यहाँ से आप लोगों को डन कर देना होगा। देन गाइज इतना करने के बाद अब बारी आता है कि हमारे फेस पे कैसे हम सुब डेविल जैसे एक टोन डालें, एक वाइट कलर का। तो कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, कैसे एडिट करना है। तो गाइज सबसे पहले आप लोगों को यहाँ लेयर वाला जो ऑप्शन है ना, लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो लेयर वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं। देन गाइज क्लिक करने के बाद हमको प्लस के आइकॉन पे क्लिक करना है एंड इसी लेयर पे क्लिक करना है। देन ब्लेंडिंग पे चल के हमको यहाँ से इसको सॉफ्ट लाइट रखना है, तो सॉफ्ट लाइट मैं रख देता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरीके से। देन गाइज अब हमको क्या करना होगा, सिंपली कलर वाला जो ऑप्शन है ना, कलर वाले ऑप्शन पे आना है। देन कॉपिक पे चलना है, तो कॉपिक पे चलते हैं हम। तो कॉपिक पे जाने के बाद यहाँ से ऑरेंज कलर पे आते हैं एंड यहाँ से YR01 वाला जो दिख रहा होगा कलर, इसको ले लेना है, ओके। एंड इतना करने के बाद गाइज हमको अपने टूल्स पे आना है, ब्रश वाले टूल्स पे। तो लाइब्रेरी के अंदर आना है एंड यहाँ पे कुछ इतने सारे ब्रशेस आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप लोगों को कौन सा ब्रश लेना है मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो ट्रेडिशनल के अंदर ये वाला ब्रश ले लेना गाइज आप लोग। एंड लेने के बाद गाइज हम कट कर देंगे। देन गाइज अब हमको क्या करना होगा, अपने फ़ोटो को कुछ इस तरीके से जूम करना होगा एंड जूम करने के बाद गाइज कुछ इस तरीके से आप लोगों को साइज़ यहाँ से अपने हिसाब से कर लेना है एंड कुछ इस तरीके से आप लोगों को अपने फेस पे पेंट करना है। तो जैसे कि देख सकते हो, सो गाइज अपने हेयर्स को छोड़ के और अपने लिप्स को छोड़ के बाकी आप लोगों को हर जगह इस पेंट को अप्लाई करना है। अपने बॉडी का पार्ट जहाँ जहाँ भी ओपनली बॉडी का पार्ट है वहाँ पे हर जगह इसको अप्लाई करना है कुछ इस तरीके से। तो मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया हूँ, क्योंकि अगर आराम से करूँगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आप लोग आराम से कर लेना, मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए ये सब कर रहा हूँ इतना फास्ट। देन ये हमारा फ़िलहाल हो ही गया है, ओके गाइज। तो देख सकते हो हमारा ये हो गया है कुछ इतना। देन गाइज अब हम हमारा जो फेस है वो कुछ ज़्यादा ही वाइट लग रहा है एकदम कार्टून सा। तो हमको क्या करना होगा गाइज कि लेयर वाला जो ऑप्शन है ना, लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड इसी लेयर पे फिर से हमको क्लिक करना है एंड इसकी ओपेसिटी वाली जो ऑप्शन है इसको आप लोग अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। तो मैं कुछ इतना रखूँगा इसको 50% के आसपास ही, तो 41 सही है। देन गाइज इतना करने के बाद अब हमको फिर से एक लेयर पे लेना होगा एंड फिर से इसी लेयर पे क्लिक करना होगा। देन ब्लाइंडिंग पे चलना है एंड इसको सॉफ्ट लाइट रखना है। देन गाइज हमको फिर से हमको कलर वाले ऑप्शन पे आना है एंड कलर पे आके इस बार हमको ये सर्कल वाला कलर ले लेना है एंड यहाँ से हमको रेड कलर चूज करना है। तो यहाँ से मैं अपना रेड कलर ले लेता हूँ। देन गाइज फ़ोटो को कुछ इस तरीके से जूम करेंगे साइज़ अपने हिसाब से करके, हमको ये रेड कलर अपने लिप्स पे पेंट करना होगा कुछ इस तरीके से, क्योंकि हमारा जो लिप्स है वो ब्लैक सा है थोड़ा, तो इसको हम थोड़ा सा रेड करेंगे।
देन देख सकते हो कर लिया है। एंड लेयर वाले ऑप्शन पे हमको चलना है, तो लेयर वाले ऑप्शन पे चलते हैं। फिर से हमको इसी लेयर पे क्लिक करना है एंड इसकी ओपेसिटी गाइस कम से कम रखना, ज़्यादा मत रखना, कम से कम। ओके, तो इतना सही है। इतना करने के बाद गाइस 10% के आसपास ही रखना। देन इतना करने के बाद गाइस देख सकते हो जो हमारा फोटो है वो काफ़ी मस्त हो गया है। एंड गाइस थोड़ा सा इसमें और भी ग्लो इफेक्ट डालते हैं, तो जिसमें हमारा फोटो जो है सुब डेविल कॉन्सेप्ट पूरा लगे, सुब डेविल जैसा एकदम। तो गाइज इस फोटो को हम तब तक के लिए करते हैं सेव एंड चलते हैं गाइज अपने स्नैपसीड के अंदर। ओके गाइज, तो आ चुके हैं हम अपने स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर एंड आप लोगों को भी कुछ इस तरीके से अपने फोटो को ऐड कर लेना होगा। देन गाइज अब आप लोगों को क्या करना होगा, सिंपली पेंसिल वाले आइकॉन पे चलना है एंड यहाँ डिटेल्स पे आके इसका जो टेक्सचर है वो आप लोगों को 40% के आसपास रखना है। देन जो इसका ये शार्पनेस जो है इसको आप लोगों को रखना है +30% के आसपास। देन इतना करने के बाद गाइज डन कर देंगे एंड डन करने के बाद गाइज हमको फिर से पेंसिल वाले आइकॉन पे क्लिक करना है। देन अब गाइज हमको यहाँ से सिलेक्टिव टूल का यूज़ करना है, तो सिलेक्टिव टूल लेके हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से अपने फेस पे एक सर्कल बना लेंगे एंड जो इसका ब्राइटनेस है वो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ कर देना है। तो जहाँ जहाँ पे हमारा ब्लैक ब्लैक सा पार्ट है ना, वहाँ वहाँ पे हम थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे, वाइट करेंगे अपने फेस को। जैसे सुब डेविल में आप लोग देखे होंगे फेस जैसा वाइट होता है, कुछ उसी तरीके से मैं इसको बार बार सेलेक्टिव टूल पे जाके इसको मैं वाइट कर लेता हूँ। तो आप लोग भी अपने अकॉर्डिंग कर लेना जितना आप लोगों को करना होगा। तो मैं अभी कुछ इतना कर रहा हूँ, देख सकते हो, देख रहे हो ब्राइटनेस कुछ इतना। देन गाइज इतना करने के बाद देख सकते हो अब हमारी फ़ोटो कितनी मस्त हो गई है सुब डेविल की तरह, बिफोर एंड ये आफ्टर देख सकते हो कितनी ऑसम हो गई है हमारी फ़ोटो। तो गाइज़ यही था आज का हमारा एक छोटा सा फोटो एडिटिंग का ट्यूटोरियल। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। देन गाइज़ अगर पसंद आया होना तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना यार, एंड अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो हम इस चैनल पर रोज़ लेके आते रहते हैं। तो गाइज़ मिलते हैं किसी ऐसी कमाल की नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।